हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम घर वापसी करवाते रहेंगे और हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे, चाहे हमें जो करना पड़े। सागर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा के अंतिम दिना बड़ो घटनाक्रम भाव, बड़ी संख्या में सनातन धर्म में लोगों ने घर वापसी करी और ई के बाद पूरो माहौल धर्ममय हो गो। देखो आप जरा जो पूरो नजारो। तो हमको आज सूचना दी कुछ परिवार पुनः वापस सनातन धर्म में आ रहा है, जो हमारे सामने बैठे हैं ये हमारा ही परिवार है। तो हम उद्घोषक महोदय को कहेंगे यह समूची रूपरेखा पहले रख दें, पहले हम इन लोगों को स्वीकार घर वापसी इनकी करवाते हैं और इसके बाद में फिर इनको भी कथा आज की पूरी सुनाएंगे और इनसे आरती करवाएंगे और हम लोग आज विराम की कथा सुनकर अपने अपने फिर घर को जाएंगे और कम समय में आज कथा पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री राम। जय सिया राम। बोलिए बागेश्वर धाम की। पिछले 7 दिनों से सदगुरुदेव भगवान की विशेष अनुकंपा और उनके अनुग्रह से हम सभी कथा का रसपान कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान के बहुत से संकल्प हैं जिनके विषयों में आप अच्छी तरह जानते हैं, भलीभांति परिचित हैं। और 7 दिनों तक, आज जो 7वां दिन है, पिछले 6 दिनों से सागर जो एक जिले का नाम था वो अब भाव का नाम हो गया है, ये भक्ति का सागर बन गया है। इसलिए पहले तो पूज्य गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोई कमी इस कथा में थी ही नहीं, हम सभी का मन मयूर बन चुका था, बस इस मयूर को नाचने के लिए एक अनुकूल मौसम की आवश्यकता थी, जिसे आपकी दृष्टि ने और आज की वृष्टि ने अनुकूल बना दिया है। उसके लिए भी बहुत कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कथा का प्रवाह आगे बढ़े इसके पूर्व आज का दिन सागर के इतिहास में बहुत बड़ा दिन होने वाला है और इस अभूतपूर्व दिवस पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके वचनों से, उनके संकल्पों से कई ऐसे लोग हैं जिनका हृदय परिवर्तित हुआ है और उनका जो हृदय परिवर्तित हुआ है उसने आज इतिहास रचा है। जैसे आज की बरसात से हमारी धरती माता कोमल हो गई हैं, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान के वचनों से ऐसे कई हृदय जो कि दिग्भ्रमित हो गए थे, आज पुनः वो बागेश्वर बालाजी के परिवार और सनातन के परिवार में लौट रहे हैं। सागर जिले और यहाँ के आसपास के कई ग्रामीण अंचलों के ऐसे 50 से अधिक परिवार जो विभिन्न कारणों से विधर्मियों के बहकावे में आकर अपने मूल धर्म को, भगवान श्री राम के धर्म को, सनातन धर्म को विभिन्न कारणों से छोड़कर अलग हो गए थे, विच्छेदित हो गए थे या कुछ अल्पावधि के लिए वो दिग्भ्रमित हो गए थे, ऐसे सभी परिवार आज यहाँ विराजमान हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कथा के विषय में जब उनको जानकारी लगी, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं से उन्होंने संपर्क किया और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो चाहते थे कि पूज्य गुरुदेव भगवान के मंच पर, उनकी उपस्थिति में और उनके आशीर्वाद से उन्हें आज सनातन की घर वापसी हो। तो ऐसी अनुकंपा पूज्य गुरुदेव भगवान ने की है और आज वो हमारे बीच में विराजमान है। जिन सभी की घर वापसी आज हमारे परिवार में होगी, ये सनातन परिवार जिसकी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, उस परिवार में आज ये सभी वापसी कर रहे हैं। इनकी पूरी सूची मेरे पास आ गई है, 95 नाम इस सूची में दिए गए हैं। ये सूची स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार की गई है और वो सभी परिवार यहाँ आगे की डी में बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव को आपकी उपस्थिति का पता लग जाए इसलिए सभी लोग अपने स्थान पर हाथ खड़े कर दें। जो ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोग अपने हाथ खड़े कर दें। आप सभी इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और इनके स्वागत के लिए अपना हृदय खोल दीजिए। इन्हें लगना चाहिए कि आज का ये आयोजन, सागर की यह कथा और इनकी उपस्थिति आज गरिमापूर्ण हो रही है, इनकी वापसी गरिमापूर्ण हो रही है। कैसे कारण रहे, क्यों ये विधर्मियों के चक्र में फंसे
और कैसे अपने मूल धर्म को छोड़कर उस धर्म में गए थे, ये सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं पूज्य गुरुदेव भगवान से आग्रह यही करूंगा कि वो अपने अनुराग की दृष्टि इन पर डालें और कृपा पूर्वक इन्हें सनातन के हृदय से लगाएं, पूज्य बालाजी के परिवार में शामिल करें, ये सम्मिलित हों और इन पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। ये बागेश्वर परिवार के विशेष सदस्य बने ताकि इन्हें आपसे मिलने, आपके दर्शन पाने के लिए कभी परेशान ना होना पड़े और आपकी विशेष कृपा इन पर रहे। मैं आग्रह करूंगा, सभी लोगों का मंच पर आना संभव नहीं है, मैं जो भी सामाजिक कार्यकर्ता इनके साथ आए हैं और बागेश्वर धाम परिवार के कुछ लोग, 7 लोगों को इनमें से मंच पर ले आएं, 4 माताएं आ जाएं और 3 पुरुष आ जाएं, 4 माताएं 3 पुरुष, ऐसे लोग आएं जो जिनसे पूज्य गुरुदेव भगवान बात कर सकें, चर्चा कर सकें, ऐसे 7 लोग मंच पर आ जाएं, यहां रास्ता बना दें। इन्हें पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर विशेष आशीर्वाद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इनके साथ पिछले कुछ महीनों में विभिन्न चेष्टाएं की गई, बहुत प्रयास किए गए और उन्हीं प्रयासों के कारण इन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर और दूसरे धर्मों में आस्था बढ़ा ली थी। आज ऐसे परिवारों की घर वापसी पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हो रही है और सागर की यह कथा निश्चित रूप से अनेक मायनों में ऐतिहासिक हो गई है। कल इस कथा के मध्य एक दृश्य निर्मित हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान से चर्चा हो रही थी कि भारत में आम तौर पर हमारे जो युवा हैं वो किसी फिल्मी गीतकार के गायक पर, गायन पर जब वो गीत गाते हैं तो उस पर वंस मोर चिल्लाते हुए सुनाई देते थे। लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ जब यहाँ बैठा यूथ, यहाँ बैठे युवा महाराज जी से भजन के लिए वंस मोर कह रहे थे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में पूज्य गुरुदेव भगवान कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत की युवा पीढ़ी को संस्कारित समृद्ध बनाने में, देश को एकजुट करने में, जातिवाद के जहर से मुक्त कराने में उनकी यह भूमिका अभूतपूर्व और सदियों तक याद की जाएगी। कुछ लोग ही मंच पर आएंगे, ज़्यादा लोग मंच पर समाहित नहीं हो पाएंगे, तो जितने लोग आसानी से मंच पर आए सभी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये वो परिवार हैं जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में आस्था बढ़ा ली थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा के मध्य इनके विचार और इनके हृदय के भाव बदले। इन्होंने भीतर ही भीतर ये संकल्प लिया कि हम बालाजी के चरणों में पुनः हाजिरी लगाएंगे और सनातन परिवार में सम्मिलित होंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान का लाड़, उनका प्यार, उनका स्नेह ऐसे परिवारों को मिल रहा है और ये परिवार अब हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। इनको कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी ऐसे कारण रहे हों जिसके कारण इन्होंने अपना घर छोड़ा हो, अब हम कभी ऐसे कारण इनके समक्ष उपस्थित नहीं होने देंगे कि इनके मन, इनके भाव, इनके विचार बदलें। ये हमारे परिवार के ऐसे सदस्य हैं जिन्हें हमें थाम कर रखना है। जितने भी इस परिवार में जितने भी बुजुर्ग माताएं हैं या दादाजी हैं वो जरूर मंच पर आ जाएं। जितने बुजुर्ग हैं हमारे सेवादार साथी जितने भी हैं वो उनको जरूर मंच पर भेज दें, जो बुजुर्ग माता हैं जो इन परिवारों से आई हैं। इनमें ज़्यादातर जो परिवार हैं वो सागर जिले के ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं और अनेक परिवार जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के कुछ लोग हैं, कुछ वनवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। ऐसे सभी लोगों का इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। सिर्फ वही लोग मंच पर आएंगे जो ऐसे परिवारों से हैं जिनकी आज पूज्य गुरुदेव भगवान के इस पावन मंच पर श्रीमद् भागवत कथा के मध्य घर वापसी हो रही है। संक्षिप्त में सभी लोग मंच पर एकत्रित हो जाएं और तदुपरांत आज की कथा का प्रवाह आगे बढ़ेगा। आज का ये आयोजन निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। इस आयोजन में अनेक
बरसात के कारण अनेक असुविधाएं निर्मित हुई। मंच पर आने में आपके पैर मिट्टी में सन गए होंगे, कई जगह बैठने में असुविधा हो रही होगी, लेकिन ये देखिए कि इतनी असुविधा के बाद भी आपका मन आनंदित है, प्रफुल्लित है। यही होता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। अगर आपकी दृष्टि भक्ति की है, भाव की है, प्रेम की है, तो फिर आपके देखने का नजरिया और सृष्टि भी बदल जाती है। और आज हम सभी को ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप सभी लोग यहीं खड़े रहें, कुछ देर के लिए यहीं खड़े रहें, ऐसे परिवार कुछ देर के लिए यहीं खड़े रहें। जितने लोग ऐसे परिवारों से आए हैं, कुछ देर के लिए मंच पर ही रुकें, पूज्य गुरुदेव भगवान आपसे चर्चा करेंगे। ऐसे परिवार जो घर वापसी के इस संकल्प से आज जुड़ रहे हैं, बालाजी के परिवार का पुनः सदस्य बन रहे हैं, वो सभी आज इस अनुपम अवसर पर आज की कथा के मध्य पूज्य गुरुदेव भगवान के मंच पर ही कुछ देर तक रुकेंगे। पूज्य गुरुदेव उनसे चर्चा करेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। सभी लोग यहां एकत्रित हो जाएं, माताएं आगे आ जाएं और पुरुष उनके पीछे खड़े हो जाएं। जो भी लोग हैं जल्दी यहां रास्ता कर दें ताकि सभी लोग आ जाएं। ऐसे लोग, ऐसे जो ये ग्रामीण भाई बहन जो हमारे आए हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां रास्ता बना दें। ये बहुत सारे लोग यहां बीच रास्ते में खड़े हैं, ये सभी यहां रास्ता बना दें। पुलिसकर्मी जो हमारे सेवा में यहां पर तैनात हैं, इनसे आग्रह है कि थोड़ा मदद करके उन लोगों के लिए रास्ता बना दें, उन लोगों के लिए रास्ता बना दें जो यहां इस संकल्प में सम्मिलित होने के लिए, इस अभियान में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। केवल वही लोग आएंगे जो लोग उन ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज घर वापसी के इस अभियान में सम्मिलित हो रहे हैं, केवल वही लोग अभी मंच पर आएंगे ताकि शीघ्र अति शीघ्र उनका आशीर्वाद हो जाए और फिर कथा का प्रवाह आगे बढ़े। सीताराम, एक बार पहले इस पूरे परिवार का स्वागत करो बागेश्वर परिवार में। यह वो लोग हैं और भारत में भगवान बालाजी की अनुकंपा और कथा का ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव है कि आप किसी कारणवश रविवार को प्रार्थना करवे जाते कोनु हलियुल्लाह वारन लो। अब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कथा के प्रभाव से अब आप जितने यहां खड़े हैं अपनी इच्छा से जीवन भर बागेश्वर धाम परिवार से सनातन धर्म में जुड़ रहे हैं। ये सनातनी ही हैं, जुड़े ही हैं, बस कुछ देर के लिए भटक गए थे। अच्छा, आप सब लोग जाते थे? भाई इधर देखो, बात करो, हमसे भी बात कर लो। हाँ, आगे आ जाओ। सब लोग जाते थे? हाँ, आप अपनी परिचय बताओ और क्या क्या होता था, कहाँ गए थे? भगवान दास से। कहाँ से हो? बदोना से। कहाँ जाते रहे? इस चर्च जाते रहे। काहे? भटक गए थे और उनकी लालच में भी आ गए थे। लालच का देखते हुए? अरे मच्छरदानी, बकरी वकरी चीजें। बकरिया जी? और तुम बकरी में बिक गए? अब जी। हे भगवान, कितने लोग तुम्हारे साथ जाते थे? 40-50 लोग हैं। 40-50 लोग। कितने दिनों तक गए हो? कितने महीने तक? चार, 3-4 महीने गए लगातार। उन्होंने सब करवाया जी, डुबकी लगवाई जी। अब आपको किसी ने दबाव दिया है कि अपनी इच्छा से आना चाहते? क्या क्या वो कहते थे, क्या करते थे, सब बताओ खोल के। अपनी इच्छा से आ रहा है और आपके प्रवचनों से प्रभावित हो गए हैं गुरु जी, ऐसा लगा कि हम धोखा खा गए जी। जी, और कोई जाते थे चर्च जो जाते हैं? हाँ सर। हाँ, क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? दयाल। दयाल, आप भी गए होते हैं? जी सर। करंट लगवाओ उनने जी। अच्छा, अब क्या विचार है?
सर आप यही रहना हमारे जोर का सनातन धर्म में ही। जी सर। अब तो नहीं जाओगे? नहीं सर अब नहीं जाओ। अच्छा सब लोग हाथ उठाओ, अब तो नहीं जाओगे? नहीं। अगर वो लालच देंगे तो नहीं जाओगे? हाँ नहीं सर, अब तो कछु भी देवे तो नहीं जाएगा। अब तो कछु लालच देवे तो नहीं जाएगा। अच्छा पिछली बार क्यों चले गए थे? सर अब पहले अनजान थे, अब जान रखने हटे कछु। अच्छा काका कान लगाते हुए का हो जाए? एक बकरी दी थी, मच्छरदानी दही और कछु कम्बल अम्बल भी दे। हाँ। और कहीं ऐसी लालच दी उनने। हाँ। अब हम लोग सर मजदूर आदमी थे तो उनकी लालच में आ गए। हाँ। और क्या सर, और फिर भी वहाँ राजघाट लुवा ले गए, डुबकी लगवाई उनने। रविवार का? हाँ वो बाहर लेकर आया था पूरे। हाँ। तो पूरे आदमी लुवा ले गया राजघाट। हाँ। वहाँ डुबकी लगवाई उसने सब। अरे 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 अरे। और क्या, और कहने लगा हमारा धर्म मानो बस, ये सही सुविधाएं मिलती रहेंगी कहीं। हाँ। और का जी देख लो, जो भारत के लोग कहते हैं कि बागेश्वर महाराज नफरत फैलाते हैं, बागेश्वर महाराज भारत में द्वंद्व फैलाते हैं, अब हम नफरत फैला रहे हैं या हमारे सनातनीय भूले भाले हिंदुओं को कोई बहका रहा है? क्या हम गलत कर रहे हैं इस देश में? क्या हम नफरत फैला रहे हैं? ये बेचारे भोले भाले सीधे साधे, एक इनमें माताजी हैं जो बता रही थी कि उन माताजी से कह रहे थे तुम मंगल सूत्र मत पहनो। कौन माताजी है? हाँ वो माताजी, माइक लो जरा। इनसे कह रहे थे वो, इन्हें माइक दे दियो बेटा। काका आते तुमसे मत आई, राजघाट लो आ गया था, राजघाट राजघाट में डुबकी लगाई। हाँ। हाँ। और काका तो मंगल सूत्र ना पहनो। हाँ बिंदी नहीं लगा, मंगल सूत्र नहीं पहनो। देख लीजिए ये दुर्भाग्य है, हमारे सनातन धर्म में मंगल सूत्र हमारा सुहाग है। जब तक पति रहता है हमारी माताएं अपने मंगल सूत्र पर गौरव करती हैं, और इन बिचारी सीधी सादी भोले भाले भइयों को, भोले भाले लोगों को, ये हर समाज के लोग हैं। क्या नाम है आपका पूरा? गुलाब रानी जी। गुलाब रानी आगे एरवा। अब तो नहीं जाने उन लोग? नहीं हम नहीं जाएंगे। मंगल सूत्र तो नहीं हटाऊ? नहीं हम लोग पहने हैं अब। हाँ ठीक करो काका, तो बिंदी ना लगाओ। हाँ। ये ठटरी के भरी है। हाँ। अब तुम्हें ठटरी बाहर देने। अब अगर वो फिर से यहाँ है कि हम तुम्हें एक बकरिया दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, तो फिर चले जाओ। नहीं, 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 हम नहीं बोलो चले जाओ का? नहीं जाएंगे। तो लालच में तो ना फंस जाए हो। अच्छा अभी चमत्कार दिखाए तो उन्हें तो ना फंस जाए हो। अब ना फंसियो चमत्कार में, न पाखंड में फंसियो। अगर तुम्हें जुड़ना ही है तो हमसे ना जुड़ो, बागेश्वर बालाजी से जुड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? पहले तो कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी चरणों में। जय हो तुम्हारी, जय हो भैया। गुरु जी हम लोग भटक गए थे, क्या है हम वो लोग हम लोगों को लालच देके राजघाट ले गए, बोले तुम्हें बच्चों को पैसा देंगे। हाँ। पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो ऐसी लालच में हम लोग आ गए। बोले 32 में ले लो तुम तो तुम ईसाई हो जाओगे। हाँ। लेकिन अब क्या करें, क्या करें गुरु? हाँ। फिर उसके बाद में हम लोग आपकी जब कथा सुनी तो हम लोगों को थोड़ा अंदर से दूसरा एहसास हुआ, वो सनातन धर्म जाग गया सर। इसलिए आज के बाद हमने आपकी जब कथा सुनी है धर्म नहीं छोड़ेंगे, अब हम सनातन धर्म में रहेंगे, जैसे हिंदू धर्म है वही अपनाएंगे। और इस जीवन में एक पिताजी मिलता है दूसरा नहीं मिलता, अपने ही बाप को बाप कहेंगे हम। वाह, जोरदार ताली बजाओ एक बार, बहुत बढ़िया। गुरुजी और जो त्रुटियां हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमारा तो भीतर आत्मा जाग गई आपकी कथा सुन के, तो हम ज्यों तो सनातन में आ गए। वाह एक बार ताली बजाओ। और आपको कह दें हम जातिवाद में नहीं पढ़ते, आज से आप सब हमारा ही परिवार हो। जी गुरु जी। और यहाँ जय श्री राम, बागेश्वर सरकार की जय हो। यहाँ बैठे हम प्रत्येक समाज से कहेंगे, आप अगर हमें मानते हो तो तुम्हें सौगंध है इन परिवार वालों को अपना ही परिवार मानना। जय श्री राम। और इनका दिल खोलकर स्वागत करो,
नहीं तो अगर हम लोग अब अभी एकत्रित नहीं हुए, इसी प्रकार हमारे परिवार को ये खंड खंड करते रहेंगे। लेकिन हमारा प्रण है, जब तक हनुमान जी की कृपा है और हमारे तन में जब तक अंतिम श्वास रहेगी, तब तक हम सनातनीय हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नौनेलाल अहरवार। नौनेलाल जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत पुनः घर में, और आपके पूरे परिवार पे यहाँ जितने खड़े, मुझे सब आपकी प्रेरणा है बालाजी की, आपकी प्रेरणा है जी सब, ऐसे ही बनी रहे बालाजी की, आपकी ही प्रेरणा से ये सब हुआ है, हनुमान जी की दया। बहुत बहुत एक बार इन्हें पुनः ताली बजा कर स्वागत करो ना। और कोई कुछ बोलना चाहता है? हाँ जी सीताराम कहो, अब तुम सब हमारा परिवार हो गए हो, भूल ना जाइयो। हाँ अच्छा आप बताओ, हम गलत कर रहे हैं कि कोई और, बोलो ना। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं? केवल ये हमारी भर जिम्मेदारी नहीं है, ये करने के बाद उनको इतनी मिर्चा लगनी है कि वो हमको मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन याद रखना तुम्हें सौगंध है जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम बहन जी, मेरा किरण प्रजापति नाम है गुरुजी जी। मेरी बेटी है कि वो बोलती नहीं है ना सुनती है, आपकी इतनी कृपा हो जाए गुरुजी, मेरी बेटी सुनने लगी बोलने लगी। एक मेरा भतीजा है गुरुजी, वो भी नहीं सुनता है गुरुजी। आप धाम लेकर आना, हमारे गुरुजी लेके आए साथ में हम उसको, यहाँ नहीं बागेश्वर धाम, धाम में गए थे ना हम उनको लेके, हाँ। चार पांच बार होके आए वहाँ से। बहुत अच्छा जी गुरुजी। आप दूसरे धर्म में कैसे चली गई थी? क्या नहीं सर, नहीं गुरुजी आप ही से जुड़े हैं, मैं तो अपन से जुड़े जी गुरुजी। अच्छा, एक साल हो गया जुड़ते, इस मंडली में कैसे आ गई? इस मंडली में मेरा मायका है गुरुजी, बदोना में, वहाँ से मैं आई हूँ। अच्छा, ससुराल मेरा साईगढ़ में है गुरुजी। तो इस मंडली में कैसे आई घर वापसी बारी, मतलब सपोर्ट लगा के? हाँ जी गुरुजी, मिलवे के चक्कर में जी गुरु। हाँ बहुत बदमाश हो, हम पहचान गए। अब आप धाम आ जाइयो, पहले मंडली से बाहर जाओ, जब घर वापसी वाली मंडली आए, तुमने कौन घर बदलो, तुम तो घर ही में हो, तुम्हें तो क्या कर रही होते, बैठो घर वालन संगे ऊपर अटंग आएंगे, कहने लगो का बढ़िया मौका है। जे भी बोली हम भी हैं। ऐसा भी नहीं है, जो जो जितने भी यहाँ खड़े हैं उनमें उनके परिवार वाले हैं, सभी क्रिश्चियन नहीं बने थे, जो बने थे वो बोल रहे हैं और वो खड़े भी हैं, और अब नहीं हैं वो सब सनातनी हो गए हैं। हाँ माता जी बोलो। तो माता जी राजघाट गए थे। तुम राजघाट गई थी? हाँ। कै बेर हो आई राजघाट? एक बार गए। और जो कहाँ है राजघाट आगे को लगो? हमें खुद नहीं है पता। तो तुम गाड़ी पे बैठ गई थी? हाँ गाड़ी पे गए थे राजघाट। क्या रुपया दाए थे उनने? हमने नहीं दाए आए उनने, और उनने हमें डुबकी लगवाई थी। डुबकी लगवाई थी? हाँ। और तुमने लगा ली? और कहा हम सब जनों ने लगाई, सो हमने लगा दी। तो आगी के लगे लुआर के लाए। और लगो जे लो सुन लो, जो कहते हैं कि बागेश्वर महाराज उल्टा क्यों बोलते हैं, इन भोली भोली माताओं को क्या कहते हैं कि भगवान की फोटो बाहर निकाल दो, जैसे भारत उनके बाप का हो। हमको अधिकार है अपने राम को रखने का, हमको अधिकार है हनुमान जी की पूजा करने का, हमको अधिकार है शंकर जी की पूजा करने का, हमको अधिकार है संत रैदास रविदास की पूजा करने का। और कोई भी संत रविदास, मीरा, रसखान, तुलसीदास, इनकी फोटो या भगवान की फोटो बाहर निकालने की बात कहेगा, वो अब भारत में नहीं रहेगा। तो तुमने निकाली तो नहीं है फोटो? हम ना निकालियो, अब तो नहीं डुबकी लगा भी जाने? नहीं दे। हैं? नहीं दे। बकरिया ले लई? नाम ने नहीं लाई। यहाँ एक नई योजना चलाई उन्होंने कि गरीब लोगों को एक एक बकरिया, अकेली मच्छरदानी
हम अलविदा हो तो मतलब मच्छरदानी में तुमने धर्म बदल दो। जय हो। और कौन गया था? तुम गए थे बच्चों जब बिटिया गई थी? हाँ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? साक्षी नाम है। साक्षी आगे? साक्षी चौधरी। चौधरी बेटा तुम भी गई थी? हाँ हम लोग जाते थे। क्रिश्चियन धर्म में? कौन हाँ, से धर्म में? ये मतलब पास्टर जी बुलाते थे हम लोगों के लिए। कौन बुलाते थे? ईसाई। ओ कितने बार तुम गई? मतलब हम लोग दो बेल गए हैं। अच्छा, किस लिए बुलाते थे? वो डांस करने को बुलाते थे और बोलते थे हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे। ओ, फिर? फिर नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, और कुछ सामान दिया? नहीं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं दिया था। ठीक है, अब तो नहीं जाना है? नहीं, हम जाते ही नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। ये पूरा समाज है जो खड़ा हुआ है, सागर जिले के कोने कोने से हैं, बहुत ही बिछड़े परिवार से हैं। हम भारत के अमीर लोगों से प्रार्थना करेंगे कि अब तुम्हारे ऊपर अगर भगवान की कृपा है तो हमारी प्रार्थना है तुम बेसहारा पिछड़े लोगों की मदद जरूर प्रारंभ कर दो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है अर्थव्यवस्था। हम लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा, हम लोगों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप सभी मंडली का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आरती में आना है भैया? आरती में सबका आऊं ने नौने? आरती में आऊं ने नौने लाल? और सबका स्वागत है, और सबके मस्तक पर तिलक लगवाओ, दोनों हाथ उठाओ, सब कहो आज, तुम लोग बोलो आज हम शपथ खाते हैं जीवन पर्यंत, तेज से बोलो, सनातन धर्म में जुड़े रहेंगे एवं भगवान सीताराम जी सरकार, हनुमान जी महाराज के चरणों से दूर नहीं जाएंगे। दूसरे धर्म के कितने भी लोग हमें बहकाएंगे, हमको बुलाएंगे अथवा लालच देंगे, हम अपने माता पिता की शपथ खाकर कहते हैं लौटकर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। आप बैठो वहां सब लोग, आरती में हम आपको बुलाएंगे, स्वागत है। सबके गले में पटकी डलवाओ वहीं पर, और तिलक आगे ही बैठने देना है सबको। एक बार पुनः समस्त सनातनीय हिंदू इनका स्वागत करो। और एक बात और हम कहते हैं, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम घर वापसी करवाते रहेंगे, और हिंदुओं को खंड खंड नहीं होने देंगे, चाहे हमें जो करना पड़े। बोलो सीताराम। और देश विदेश में जो जो लाइव देख रहे, आप भी इनका स्वागत करो, और इनकी व्यवस्था, भोजन की, भजन की व्यवस्था की तैयारी तुम करो, ताकि कोई भी हिंदू लालच बस दूसरे धर्म को स्वीकार न करे। जय 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 जय। अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।